थोड़ी सी उम्मीद मिली है, ये जराब बना हुआ है कार्टून बन के, होपफुली इधर ही कहीं जराब भी मिल जाएगा। तो फिर राजे ने बोला ताना ताया राजे ने बोला ताना तो नहीं ताया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बीजिंग ट्रिप। एंड टुडे इज डे नंबर 2 और आज मैं जा रहा हूँ समर पैलेस। समर पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे यहाँ के राजा महाराजा समर में यानी गर्मियों में अपना वेकेशन इंजॉय करने के लिए वहाँ आते थे, इंजॉय करते थे। विंटर्स में उसकी क्या खासियत है? विंटर्स में उसकी ये खासियत है कि वहाँ पे एक लेक है जो विंटर्स में फ्रीज हो जाता है और फ्रोजन लेक पे लोग डिफरेंट स्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं और इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, मैं आ रहा था समर पैलेस लेकिन रास्ते में मुझे दिखा सबवे स्टेशन पे कि इधर भी जिंग जू भी है, तो मैंने वैसे भी उधर आना था क्योंकि तकरीबन 7 डेज का ट्रिप है, तो सारी जो करीब करीब जगह है वो जिधर मैं रह रहा हूँ उसके करीब है। तो ये अब देख लेते हैं क्योंकि ये 6 बजे बंद हो जाता है और वो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो उसमें बंद होने का कोई टाइम नहीं है, तो यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर जाते हैं। शुक्र है मैं स्टूडेंट कार्ड लेकर आया हूँ। स्टूडेंट कार्ड में यहाँ पे चाइना पे आप जिधर भी जाए यू विल हैव डिस्काउंट्स। ये टिकट मैंने ले ली, वैसे 14 युआन की थी लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे 7 युआन की पड़ी है। ये सारे लोग बीजिंग जू आए हुए हैं। अच्छा हो गया यार, थोड़ा सा मेरा ध्यान पड़ा है जू की तरफ, तो बस टिकट ले लिया, अभी जाता हूँ अंदर। ये सारी एंट्रेंस है। ये देखिए, जितने भी आपको रेड ये बलून्स टाइप दिख रहे हैं ये अक्सर ये लोग अपने न्यू ईयर पे और इसको ये बड़े पाबंदी से बड़े खुशी से मनाते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जब से मैं यहाँ पे बीजिंग में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडेज़ है तो उस वजह से यहाँ पे रश काफ़ी कम है ओवरऑल, क्योंकि लोग चले गए अपने इलाकों में, होम टाउन गए। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके किसी टूरिस्ट प्लेस पर आके मैंने इतना रश देखा है, तो अच्छी बात है। रश वश होता है तो थोड़ा हेल्प मिलती है गार्डन्स में भी और मज़ा भी आता है। सिर्फ अकेले हम ही घूम रहे हो भूत की तरह, मज़ा नहीं आता। अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ इन्होंने जू को भी अपना जो चाइना का फेमस आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करके सारा बनाया है। वो इतना ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है सिर्फ पांडा के लिए, और हम भी पांडा के लिए देखने आए क्योंकि पिछले जू में मैंने पांडा नहीं देखा था। ये सारा रश पांडा देखने के लिए जा रहा है, देखिए कितना ज़्यादा रश है और हम भी इस लाइन का हिस्सा बन चुके हैं। खैर, इतनी ज़्यादा मुशक्क़त के बाद, इतनी लाइन, बड़ी लाइन के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ और अभी आपको दिखाते हैं पांडा, जिसके लिए इतने ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो टिकट आपने ली होती है वो आपको स्कैन करनी पड़ती है। रूल्स आर रूल्स एज ऑलवेज। फाइनली देख लिया, इसको चाइनीज में कहते हैं दाओशियांग माओ यानी पांडा। यहाँ पे ठंड का ये हाल है, देखिए जो है ये फ्रीज हो गया, ये फ्रोजन है सारे लोग, फ्रीज में सिर्फ नहीं है वो भी फ्रीज है। इसको देखो ये मटक मटक के चल रही है, बताओ ये देखो, इसको देखो मनाने के चक्कर में कि कोई एक तो मान जाओ। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई वो ये है कि यहाँ पे हर एक एनिमल दूसरे से काफ़ी दूर है, काफ़ी चल के जाना पड़ता है और इजीली पता भी नहीं चल रहा होता कि आप इस तरफ जाना है, इस तरह इधर एनिमल है उधर एनिमल है और काफ़ी एनिमल्स हैं भी नहीं। सर्दी है ना, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि वो ज़्यादा चल चल के सारे एनिमल फिर बंदा देख नहीं पाता, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। तरफ आया था ताकि जराफ देख सकूँ ना,
यकीन करें पिछले 20-25 मिनट से मैं घूम रहा हूँ, परिंदे ही परिंदे नज़र आ रहे हैं। अभी तक मैंने जराफ नहीं ढूंढा, हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ रही। नफरत करा दी उन्होंने हमें परिंदों से, कसम से। इतने प्यारे प्यारे परिंदे, बट जराफ देखना है भाई, जराफ दिखाओ। किधर रख छुपा के रखा है तुमने ये खजाना? थोड़ी सी उम्मीद मिली है, ये जराफ बना हुआ है कार्टून बन के, होपफुली इधर ही कहीं जराफ भी मिल जाएगा। ये जराफ है, जराफ को बेसिकली इधर होना चाहिए था, लेकिन हमने इनसे पूछा है, पुलिस वाले से पूछा है, तो पुलिस वाला कहता है कि यार जराफ इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम ठंडा है बहुत, और जराफ के लिए जो टेम्परेचर है वो वार्म चाहिए होता है, तो ये गर्मियों में इधर होगा, इसलिए हमें काफ़ी एनिमल्स नहीं नज़र आए। ये बस एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से एग्जिट कर लिया जू से। यार लिटरली कसम से एनिमल्स के नाम पे सिर्फ वॉक कराया, कोई एनिमल्स नहीं थे। कभी कह रहे थे सर्दी की वजह से, कभी क्या कभी क्या, लेकिन ये है कि बस वॉक शॉक सही कराई इन्होंने। अभी दूसरी जगह जाता हूँ, समर पैलेस, तो वो इधर करीब है। समर पैलेस पहुंच गया हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है। इधर से टिकट ली और अब अंदर जाएंगे। फैकल्टी ने बताया कि तकरीबन रात के 7 बजे ये बंद हो जाता है। अभी तकरीबन 5:30 हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अंधेरा हो जाता है क्योंकि विंटर्स है ना, और थोड़ी सर्दी भी है यहाँ पे। खैर हम आ गए, हम हमारे मैं जिधर रह रहा हूँ उधर से काफ़ी थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैंने कहा आज देख के चलता हूँ। ये सारा समर पैलेस है और ये जो आप देख रहे हैं ये लेक था, और ये बर्फ़ हुआ हुआ है सर्दी की वजह से, सारा बर्फ़ हुआ हुआ है। अच्छा, जो भी जगह दिखाता हूँ ना उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि पहले जो राजा लोग थे वो बड़े, मतलब छोटी सी जगह के लिए भी वो बड़े पैसे खर्च करते थे और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते थे। ये बना कैसे था? एक्चुअली हुआ ये था कि राजा की रानी जो थी वो एक दिन नाराज़ हो गई, तो पता चला कि रानी ने तो खाना नहीं खाया, तो फिर राजा ने बोला ताना ताया। रानी ने बोला ताना तो नहीं ताया, क्यों नहीं ताया? बोला कि यार गर्मियों की गर्मियां है और इस बार वेकेशन पे नहीं गए। तो तब जाके वो बादशाह गुस्से में आया और उसने अपनी रानी के लिए पैलेस बनवाया ताकि वो ताना टाइम पे गए। अंदर जा रहे हैं पैलेस के। देखने की बात यह है कि यहाँ पे हर एक जगह को बड़ा प्रिजर्व करके ये लोग रखते हैं। अब ये जो जगह है काफ़ी साइड पे है करके हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने बड़ा प्रिजर्व रखा है, इसी से टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। और ये अगर किसी और जगह पे होती, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में होती, फिर इस जगह की आप हालत देखते। जो कंस्ट्रक्चर के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो जगह होती हैं, ये जो बाउंड्रीज होती है, और ये आप सारा हाथ का बनाया हुआ देख रहे हैं, कितने मुश्किल से ये बना हुआ है उस टाइम पे।